नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा कंप्यूटर ट्रेनिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फोन में कैसे यूज किया जाता है और सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और उसका काम क्या है लगाने का। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने प्ले स्टोर से एमएस एक्सेल इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, तभी आप उस पर कुछ कर पाएंगे। चलिए हम इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए हम ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, ओपन हो गया है एमएस एक्सेल। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिए हमने सम प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं। सम प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल का भी टोटल, मतलब ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब होता है, तो समझ लीजिए, मान लीजिए हमने कुछ प्रोडक्ट लिया, मैगी, कोको कोला और डेयरी मिल्क। ओके दोस्तों, और हमने कितने पैकेट लिया, कितनी क्वांटिटी ली। मैगी का हमने लिया 50 क्वांटिटी और कोको कोला का लिया 30 और इसका 10। ओके दोस्तों, इसकी प्राइस क्या है, एक क्वांटिटी की प्राइस क्या है, 20 रुपये, 10 रुपये और ये 30 रुपये। ओके दोस्तों, हम इसका अमाउंट निकालेंगे। क्या अमाउंट, तो अमाउंट हम निकालते हैं। मान लीजिए अमाउंट, तो क्या करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, कुछ नहीं आपको करना है। जहाँ अमाउंट, अमाउंट के नीचे आके आपको आपको क्या करना है, देखिए उस पर दो बार क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, प्रोडक्ट। क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे। क्या इक्वल का साइन, मतलब बराबर का साइन। ओके, हमने बराबर का साइन लगा दिया। बराबर का साइन लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लिखना है आपको प्रोडक्ट। क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो लिखते हैं हम प्रोडक्ट, PRODUCT। ओके, प्रोडक्ट हमने लिख दिया। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट आ गए, सम, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का आ गया, यहाँ पर सबसे नीचे सम प्रोडक्ट का आ गया। तो हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर है इस पर, हमें इस पर क्लिक करना है। ओके, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वांटिटी पे क्लिक करना है। किस पे, क्वांटिटी पे, जहाँ हमारा 50 लिखा है उस पर क्लिक करना है। ओके, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है प्राइस तक। प्राइस पे आ गए। प्राइस पे आने के बाद आपको क्या करना है, इंटर। देखिए आपका अमाउंट आ गया इतना, कितना, करीबन 1000 रुपये। कितने का, 50 पैकेट का, उसका एक का है प्राइस 20 रुपये। तो आपका आया अमाउंट 1000 रुपये। ओके दोस्तों, इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, कोको कोला का निकालते हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल का साइन लगाना है आपको। ओके, इक्वल का साइन हम लगा देते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है। ओके दोस्तों, PRODUCT। फिर देखिए लिस्ट आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऊपर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर 30 पे क्लिक करना है। किस पे, 30 पे। 30 पे हमने क्लिक कर दिया। 30 पे क्लिक करने के बाद आपको 10 तक सिलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, अब आपको कर देना है इंटर। देखिए इसका करीबन आया 300 रुपये कोको कोला का। अब करते हैं हम डेयरी मिल्क का, कितना आता है अमाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वल का साइन इसमें भी लगाना है दोस्तों। इक्वल का साइन लगा दिया। इसमें भी आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो लिख देते हैं हम प्रोडक्ट, PRODUCT। ओके, फिर लिस्ट आ गया, इस पर हम क्लिक कर देते हैं ऊपर वाले पे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको किस पे जाना है, क्वांटिटी पे। किस पे दोस्तों, क्वांटिटी पे जाना है। तो हम क्लिक कर देते हैं 10 पे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके आपको जाना है 30 पे, मतलब प्राइस पे जाना है। प्राइस पे आ गए। प्राइस पे आने के बाद आपको कर देना है इंटर। अब देखिए इसका भी आया 300। ओके दोस्तों, इतना क्लियर है। बट मैं आपको बोल दूं, अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो क्या एक एक करके पैसे देते हो। पहले मैगी का पैसा ले लो, फिर कोको कोला का पैसा ले लो, या सबका एक साथ में देते हो। तो एक साथ में हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अमाउंट नहीं पूछते, सीधे पूछते कि आप टोटल जोड़ के बता दो कितना अमाउंट हुआ, मैं पे कर दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। सबसे पहला तरीका है आपका अमाउंट टोटल निकालने का। मान लीजिए हमने ये तो प्लस करवा दिया, अमाउंट पहले निकलवा लिया, मैगी कितना, कोको कोला का कितना और डेयरी मिल्क का कितना, ये तो हम करवाते हैं, नॉर्मल करवाते हैं। अब हमको पता लगाना है कि पूरा अमाउंट कितना हुआ। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सम लगाना है। क्या सम, सम का फॉर्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल का साइन लगाना है, फिर लिखना है क्या, सम, SUM। ओके दोस्तों, सम लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट आ गए, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट। तो आपको किसी पे भी क्लिक नहीं करना, जो सबसे ऊपर लिखा है सम, SUM, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो अमाउंट है हमारा 1000 रुपये, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है सबसे लास्ट में, जो 300 लिखा है उस पर आना है सिर्फ के साथ। अब आपको कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद देखिए आपका अमाउंट पूरा आ गया, करीबन 1600 रुपये आ गए पूरा अमाउंट। ओके दोस्तों, इतना क्लियर है आपका। तो अब देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है, हम इसको क्लियर करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, हमने क्लियर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अमाउंट नहीं निकालना, सीधे टोटल निकालना है, पूरा टोटल हमारा अमाउंट कितना हुआ।
तो आपका देखिए दूसरा तरीका क्या है, पूरा टोटल अमाउंट निकालने का बहुत ईजिली है दोस्तों, सबसे आसान तरीका यही है आपको इस वीडियो में और इस फॉर्मूले में। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, इक्वल का साइन लगाना है दोस्तों, आपको लिखना है यहाँ पर सम, सम एस यू एम, सम प्रोडक्ट, क्या लिखना है सम प्रोडक्ट, ओके सम प्रोडक्ट, सिर्फ सम प्रोडक्ट लिखते ही देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट आ गया यहाँ पर सम प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, ओके क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सबसे क्वांटिटी पे जाना है, सबसे पहले क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे हमने क्लिक कर दिया जहाँ पर 50 लिखा था, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है नीचे तक, ओके दोस्तों। अब आपको क्या लगाना है, कोमा, क्या लगाना है कोमा का साइन, तो हम लगाए थे कोमा, कोमा हमने लगा दिया, ओके दोस्तों कोमा हमने यहाँ पर लगा दिया, देखिए कोमा, सॉरी ओके कोमा हमने लगा दिया। कोमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस पे जाना है, किस पे, प्राइस पे क्लिक करना है जहाँ 20 लिखा है, ओके अब उसको भी सिलेक्ट कर लेना है नीचे तक, अब आपको कर देना है इंटर, ओके दोस्तों फिर भी आया 1600। तो दोस्तों पता चल गया आपको सम प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ग्रैंड टोटल मतलब टोटल का भी टोटल कैसे निकालना है आपको पता चल गया इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का हेल्प हो सके, और जो भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछना हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो हमारे चैनल पे कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सीखना हो तो हमारे शिक्षक कंप्यूटर ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग कर सकते हैं जो कि आजादपुर में है। धन्यवाद दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे नए फॉर्मूलों के साथ।